नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सीए गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, नवंबर मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इस मंथ में अपनी कोई भी रिटर्न मिस नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसी की डिस्कशन कर रहे हैं वीडियो में। अगर आपने ऑलरेडी गेस कर लिया है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, और अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो देर किस बात की कर दीजिए। सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो studywari.com को विजिट करिए, यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी मैं वीडियो के एंड। यहाँ मैंने ओपन कर रखा है सेक्शन 16 ऑफ द CGST एक्ट। इस सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 में एक टाइम लिमिट दी है 30 नवंबर। यहां पे आपकी अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ये 30 नवंबर की डेट मिस कर दोगे तो यहां पर देखिए लिखा क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस की बात करता है। इसका सब सेक्शन 4 बोलता है, रजिस्टर पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। कोई भी रजिस्टर पर्सन ITC नहीं ले पाएगा अगर किसके लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आफ्टर कॉन्सिडेट आफ्टर 30th November फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट प्रिटेन और फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यानी तो कौन से ईयर के लिए हमारी 30 नवंबर की डेट रिलीवेंट हो गई, फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो ऑलरेडी आपका एंड हो चुका है। आपको इसके लिए क्या करना है, रिकंसिलेशंस करने हैं अपने। अगर अभी तक आपने नहीं करे हैं तो अपने रिकंसिलेशंस पहले करिए। रिकंसिलेशंस करने नहीं आते हैं तो हमारा कोर्स अवेलेबल है studywari.com पे, देखिए रिकंसिलेशन का। एंड दिस इज वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली कोर्स आपके लिए, सिर्फ मैंने मिनिमम कॉस्ट पे निकाला कि सिर्फ सर्वर की कॉस्ट ही हमारी इससे रिकवर हो रही है। तो आपको इसका बेनिफिट लेना है 3B के साथ ही, 2B के साथ ही, रिकंसिलेशन के साथ ही। अगर 3B सीखनी है ना एडजस्टमेंट एंट्रीज के साथ, तो वो अलग से भी अवेलेबल है। तो चाहे आप खुद करें रिकंसिलेशन अगर आपको ऑलरेडी आते हैं, देन वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं आते तो कोर्स लेके आप सीख सकते हैं, बट सबसे पहले आपको रिकंसिलेशन करने हैं अपने 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। इस पर क्यों फोकस है हमारा, वैसे तो आपको हर महीने करने चाहिए रिकंसिलेशन, एवरी ईयर, जिस भी ईयर में आप फाइनेंशियल ईयर जो भी चल रहा है, मतलब 22-23 के भी देखो, आपको करते रहना चाहिए टाइमली। पर 21-22 के क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भूल गए हैं तो वो आप 30 नवंबर तक, अकॉर्डिंग टू लॉ 30 नवंबर तक अवेल कर पाओगे। बट ये डेट एक्चुअली 30 नवंबर नहीं है, आपको ये डेट कौन सी माननी है, 20th November। क्यों, क्योंकि मंथली जो आप 3B भरोगे उसकी लास्ट डेट है, अक्टूबर वाली 3B भरने की लास्ट डेट है 20th November। ठीक है, तो वेदर एक्ट में लिखा है 30 नवंबर, पर आपके लिए कौन सी डेट हो जाएगी, ये 30 को रिप्लेस कर दो 20th से, यानी इस डेट तक आपको अपनी गलतियां ठीक करनी है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस डेट को मिस कर दोगे तो फिर मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि चाहे फिर अंबानी है या अडानी है, किसी को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे अपनी मर्जी से कि अगली रिटर्न में क्लेम कर लिया तो आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, वो आपका बिल्कुल गलत क्रेडिट होगा। और अगर आपकी ऐसी गलतियां हैं कि आपको 21-22 में गलतियां मिली, फिर आपने 22-23 फाइनेंशियल ईयर में उनको ठीक किया है, तो आप अपनी GSTR 9 जरूर भरे, वेदर आप पर मैंडेशन नहीं है। और GSTR 9 को कैसे फाइल करना है उसका डिटेल कोर्स आप ले सकते हैं, अवेलेबल है हमारे वेबसाइट studywari.com पे। इसमें रिकंसिलेशन भी इंक्लूड है, यानी इस कोर्स को लोगे ना तो ये नहीं लेना पड़ेगा आपको, ये इसी के अंदर इंक्लूड है। तो इनका बेनिफिट लो, आपकी कन्वीनियंस के लिए कोर्स है, इनसे आप एरर फ्री फाइलिंग्स अपनी कर सकते हो। तो क्लियर हो गया आपको, एक तो मैंने सेक्शन 16 आपके साथ डिस्कस कर लिया, दूसरा सेक्शन में आपके साथ एक और डिस्कस करूंगी, सेक्शन 34 विच टॉक अबाउट क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। यहाँ पर क्रेडिट नोट के लिए भी हमारी टाइम लिमिट डिफाइन है 30th November। ठीक है, तो अपने क्रेडिट नोट जो आपको इश्यू करने हैं ना, वो भी 30th November तक इश्यू करने हैं। हम पढ़ लेते हैं वो कहाँ पर लिखा है एग्जैक्टली, यहाँ सबसेक्शन 2 में, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशू अ क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वो क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा डिटेल ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड, या उसी मंथ में करेगा जब ये क्रेडिट नोट इशू किया है, बट नोट लेटर देन 30th November।
क्रेडिट नोट के लिए भी टाइम लिमिट है फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई सच सप्लाई वाज मेड यानी 21-22 के कोई भी क्रेडिट नोट अगर आप दिखाना भूल गए हो अपनी 21-22 की रिटर्न्स में तो अभी भी आप अक्टूबर वाली रिटर्न जो आपको नवंबर में भरनी है 3B उसमें दिखा सकते हो। इसके बाद आपको ये भी अलाउ नहीं करे जाएंगे। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि 30 नवंबर भी नहीं है आपके लिए डेट, आपके लिए कौन सी डेट है 20th नवंबर। इस डेट तक आपको क्या करना है, आपकी जो भी गलतियां हैं चाहे वो सेल की हैं, डेबिट नोट की हैं, क्रेडिट नोट की हैं, आईटीसी की हैं, जो भी गलतियां हैं आप सारी इसी डेट तक ठीक करो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपने रिकंसिलेशन। तो आपकी जीएसटी रिटर्न्स इस बार जो आपको भरनी है ना नवंबर में, इवन सीबीआईसी के ट्वीट भी आ रहे हैं कि इस बार की जो आपकी जीएसटी रिटर्न्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट देख लीजिए, आपके सामने है यहाँ पर सारी डेट्स भी। तो 3B की अक्टूबर वाली 3B की लास्ट डेट 20th नवंबर है। अब आप कहोगे QRMP वाले क्या करें, उनका पीरियड खत्म हो चुका है, अक्टूबर में ही उनको क्वार्टरली अपनी 3B भरनी थी, उनका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, उनके लिए अब अपॉर्चुनिटी नहीं है आईटीसी की गलतियों को ठीक करने की या सेल की गलतियों को ठीक करने की। क्लियर हो गया आपको, मंथली के लिए स्टिल ऑप्शन एक्टिव है 20th नवंबर तक। तो इस बार आपके लिए नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैंने आज बनाई है 10 नवंबर को, यानी अभी आपके पास 10 दिन है। तो आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं सबका रिकंसिलेशन कर लो, ऑलरेडी कर लिया देन वेल एंड गुड, जो गलती मिल चुकी है उसे सही करो 3B में। और अगर JSTA 1 की गलती है तो JSTA 1 की लास्ट डेट है कल मंथली के लिए 11th, तो ठीक कर लो। मतलब 21-22 फाइनेंशियल ईयर पे आपको मेजर फोकस करना है क्योंकि इसके गलतियां ठीक करने का भी मौका है आपके पास। इसके बाद ये मौका क्लोज हो जाएगा, यस ये वर्ड लिख लो अपने पास, क्लोज हो जाएगा। कब क्लोज हो जाएगा ये मौका, 3B के लिए 20 नवंबर को और JSTA 1 के लिए 11 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। मतलब इसके बाद आपके लिए ये डोर्स ओपन नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया है, आप इसके अकॉर्डिंग एक्शन लें। और अगर आपको लग रहा है कि किसी और को भी ये चीज रिमाइंड कराने की जरूरत है जिससे आप परचेज करते हैं, उनको आप चाहते हैं कि इस चीज की आप नॉलेज दे सके, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना अपना। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। तो बहुत से पर्सन डिटेल्ड लर्निंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप देर क्यों कर रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, पहले तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, सर्च करो CA गुरुजी। इसके अलावा भी हम और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे एक्टिव हैं, वहां आपको इंस्टेंट अपडेट्स भी शेयर करते हैं। यूट्यूब पे तो आपने हमें सब्सक्राइब कर ही रखा है, साथ ही आप गूगल पे आइए, प्ले स्टोर पे आप एक तो स्टडी वडी की ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या गूगल पे लिख लो studywadi.com, यहाँ कोर्स सेक्शन में आइए तो हमारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। TDS एंड TCS का डिटेल कोर्स है और कोर्सेज के प्राइस हमने अब बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली रख दिए, तो जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो उनमें ज्वाइन करें। दिस इज आवर मोस्ट पॉपुलर कोर्स नाउ TDS एंड TCS प्रैक्टिकल कोर्स, क्योंकि इसको लेने के बाद आप खुद की अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो। TDS ऑन प्रॉपर्टी सीखना है अलग से अवेलेबल है, JSTA 3B विद 2B रिकंसिलेशन दिस कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेरी मिनिमम प्राइस। JSTA 2B रिकंसिलेशन क्या है ना, आपके JSTA में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम सजेस्ट करते हैं आपको कि मंथली या क्वार्टरली रिकंसिलेशन जरूर करें। वैसे भी अब 2B बेस्ड हो गया तो मंथली का ही आपके पास ऑप्शन है कि आप मंथली को जरूर करें। MSME आपको सीखना है, MSME को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस MSME में खुद को रजिस्टर करें, तो MSME कोर्स का भरपूर बेनिफिट लीजिए। 9/9 से आपको फाइल करनी है, 21/22 की 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तैयारी अभी से शुरू कर दो। अब आप फ्री हो गए हो फेस्टिवल से, आपका मेन फोकस अब 9/9 पे आ जाना चाहिए। इसके लिए हमने पूरा कोर्स विद 2B रिकंसिलेशन आपके लिए अवेलेबल करा रखा है मिनिमम प्राइस पे। देन हमारा GST कोर्स का कॉम्बो है ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ। आजकल जमाना क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर आपको पता क्या है, आप बताइए। ऑटोमेशन का बहुत सारी चीजें फ्यूचर में ऐसी हो जाएंगी कि आपको तो बस डेटा डालना है, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, है ना। तो हम आपको बैलेंस शीट एंड P&L भी अपनी ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के कोर्स के थ्रू ऑटोमेट करना सिखाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। आपका क्लाइंट आपके सामने आए और कहे मुझे डेली बैलेंस शीट दे दो, आप डेली दे सकते हो विद इन 5 मिनट्स। तो ये कॉम्बो के साथ भी अवेलेबल है, और ऑटोमेशन का कोर्स ना नेक्स्ट पेज पे यहाँ आएंगे आप, अलग से भी अवेलेबल है, सिर्फ ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट आपको सीखना है, ठीक है। तो 2 पेजेस पे ये कोर्सेज एक्टिव है।
तो जीएसटी का कॉम्बो बनाया गया है ऑटोमेशन के साथ, इनकम टैक्स कोर्स का ऑटोमेशन के साथ, या फिर हमारे सारे ही कोर्सेज आपको सीखने हैं तो आप हमारा मेगा कॉम्बो लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही लेस कॉस्ट करेगा, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक और कॉम्बो बनाया गया है जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस को कवर करा गया है। इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे ज्वाइन करिए। जीएसटी सीखना है आपको सिर्फ तो जीएसटी का कोर्स अवेलेबल है ओनली एंड ओनली। इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है बस वेबसाइट पे आइए आप। यहाँ पे ऑप्शन है डैशबोर्ड की, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की। तो पहले तो वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर कर ले और उसके बाद आपके कोर्स जैसे आप बाय करोगे डैशबोर्ड में एक्टिव हो जाएंगे, वहां से आप देख पाओगे। कोई भी क्वेरी लगे तो टीम का मोबाइल नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी भी दी है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।